जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर में भारतीय किसान संघ ने क्षेत्र के ग्राम मठीना में शकबंदी न कराए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बताते चले कि किसान संघ के कार्यकर्ता विकास खंड हसनपुर क्षेत्र के ग्राम मठीना की किसानों के साथ एसडीएम हसनपुर ऑफिस पर पहुंचे और अपनी मांग को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। वहां पर उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में कुछ टाइम पहले ही चकबंदी हो चुकी है। सभी खेतों को जाने के लिए रास्तों की पर्याप्त व्यवस्था है। अधिकांश खेतों पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ऐसे में गांव में चकबंदी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन चकबंदी विभाग गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर चकबंदी करना चाहता है। इस अवसर पर उपस्थित जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि जिस गांव में चकबंदी हो जाती है वहां 10 से 15 साल तक चोरी डकैती की घटनाएं नहीं होती है। एक और तो आवश्यकता नहीं है, दूसरी ओर विभाग द्वारा लूटने का डर, तीसरे आपसी विवाद, इन सबके चलते गांववासी चकबंदी नहीं चाहते, तो इनकी बात मानी जानी चाहिए। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, योगेंद्र, रमेश, विनोद आदि उपस्थित रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए हसनपुर से बिलाल बाकरी की रिपोर्ट। मटेना वहाँ पे जल्दी ही अब से 15-20 साल पहले चकबंदी हो चुकी है और वर्तमान में किसानों को रास्ते संबंधित कोई परेशानी नहीं है। सभी के खेतों पर जाने के लिए रास्ते हैं। अधिकांश खेतों पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। यदि वहाँ पे चकबंदी होती है तो ट्यूबवेल जिनके खेत में है उन्हें दिक्कत आएगी और रास्ते की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ चकबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है और चकबंदी विभाग वहाँ तुला हुआ है चकबंदी करने के लिए। तो वहाँ के किसान भाई सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनका कहना है कि हमारे यहाँ चकबंदी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बुजुर्गों का कहना है कि भाई जिस गांव में चकबंदी हो जाती है उस गांव में 15-20 साल तक तो चोर भी नहीं आते, इसका मतलब गांव कंगाल हो जाता। तो इतनी भयावह स्थिति है चकबंदी के। मैं सही काम की तो उम्मीद ही मत करो, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। इन सब चीजों को देखते हुए इन गांव वासियों का कहना है कि हमारे गांव में किसी भी कीमत पर चकबंदी ना हो और इसका भले से अधिकारी लोग जनमत ले लें, वहां से सर्वेक्षण करा लें, खुली बैठक करा लें एक, और जिस पक्ष में ज्यादा लोग हों, अगर ना कराने के पक्ष में ज्यादा हों तो वहां किसी भी कीमत पर चकबंदी नहीं कराई जाए। यदि फिर भी चकबंदी की प्रक्रिया वहां थोपी जाती है तो ये लोग आज तो हसनपुर आए हुए हैं, फिर किसी दिन अमरोहा भी पहुंचेंगे डीएम साहब के यहाँ और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अपन भी यहाँ पर एसडीएम साहब से बात भी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो चकबंदी विभाग, हाय हाय चकबंदी विभाग, हाय चकबंदी विभाग, हाय हाय चकबंदी विभाग, हाय हाय चकबंदी विभाग, हाय हाय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद।